नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। आप सभी को वन इंडिया परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रो कबड्डी में आज नए साल की शुरुआत 3 मुकाबले से होने जा रही है, जिसमें शाम का दूसरा और महामुकाबला बेंगलुरु बुल्स बनाम तेलुगु टाइटंस के बीच होने वाला है। ये मुकाबला रात 8:30 बजे से खेला जाना है। ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये मैच अंक तालिका की शुरुआती दूसरे नंबर की टीम जो कि बेंगलुरु है और अंत की दूसरे नंबर की टीम टाइटंस के बीच होगा। बेंगलुरु बुल्स ने इस साल सभी को अपने खेल से प्रभावित करते हुए टॉप 2 में अपनी जगह कायम की है। बेंगलुरु बुल्स को अपने शुरुआती मुकाबले में हार जरूर झेलनी पड़ी थी, मगर उसके बाद से अभी तक इस टीम ने अपने आखिरी 3 मुकाबले जीतकर अपने खेल से सभी को काफ़ी प्रभावित करके दिखाया है। यूं तो इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, मगर बेंगलुरु बुल्स की सबसे बड़ी ताकत है उनके रेडर पवन सहरावत, जो लगातार हर मैच में अपनी टीम को भर भर के पॉइंट्स दिला रहे हैं। इसके अलावा दबंग दिल्ली के बाद जिस टीम का डिफेंस इस सत्र में सबसे मजबूत नजर आ रहा है, वो है बेंगलुरु बुल्स। यानी कि आज एक बार फिर से ये टीम प्रो कबड्डी के मंच पर आग लगाने वाली है। वहीं इस टीम के सामने खड़ी तेलुगु टाइटंस के लिए बेंगलुरु के सामने टिक पाना भी काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि ये टीम अभी तक अपने रेडर और बाहुबली सिद्धार्थ देसाई के ऊपर निर्भर नज़र आ रही है। अगर आज होने वाले मुकाबले में टाइटंस को जीत हासिल करनी है, तो उन्हें अपने रेडिंग डिपार्टमेंट को मजबूत करना होगा, ताकि वो बेंगलुरु बुल्स को हरा सके। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।